मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत उत्साह से मनाई जाती है। आज जोर शोर से अलग अलग जगहों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग राज्यों में आज की ये शिव जयंती पूरे हिंदुस्तान में लोग बहुत शानदार तरीके से मनाते हैं। वैसे हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अपेक्षाएं थी कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अभिप्रेत लोकशाही थी या जो राज्य चलाने की उनकी संकल्पना थी, उन्हीं संकल्पनाओं पर आधारित आज ये राज्य हमारा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रहा है। और ये एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के ऊपर, लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के उस जमाने के ऊपर जानकारी हो, आज की नव पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानियाँ, उनका वो थोर इतिहास, उसकी कल्पनाएँ आज की युवा पीढ़ी के हो, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। और मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आज की युवा पीढ़ी को अपना इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, उसको उजागर करने का हमारा जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न आज की युवा पीढ़ी के लिए होगा। मानता हूँ कि हमने देखा पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक कहानियों को उजागर करते हैं और अपने गांव-गांव में अलग अलग तरह से उत्सव को मनाया है। और आज ये कोशिश हमने विशेष रूप से करने का प्रयास किया है मुंबई में, और ये शुरुआत है मुंबई भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों जिला विशेष रूप से
जहाँ पर मराठी बाहुबल इलाका माना जाता है, उस इलाके में हमने एक ये प्रयास किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव, और कार्यकर्ताओं ने मेहनत से परिश्रम से इस उत्सव की शुरुआत की है। ये तो पहले साल है, पहले साल के पश्चात आगे आगे और सालों में भारतीय जनता पार्टी दोनों जिला विशेष रूप से मराठी विभाग ये कार्यक्रम जोर शोर से करेगा। आज की इस शिव जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी शिव प्रेमी नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे हमने देखा कि मराठा रेजिमेंट ज़्यादातर मुंबई से दूर रहते हैं, अगर हमने देखा पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इस क्षेत्र में वो ज़्यादातर मराठा रेजिमेंट के शूर सैनिक रहते हैं। अलग अलग रेजिमेंट के लोग भारतीय सेना में दाखिल होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज के उस इतिहास को उजागर करने के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की उस शूरता, उस वीरता को लेके मराठा रेजिमेंट अपने हिंदुस्तान के सेना में दाखिल होते हैं। उन नव युवकों को प्रेरणा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं, वो मराठा रेजिमेंट होते हैं। तो मराठा रेजिमेंट में 30-32-34 साल निकालने के बाद उन वीरों का, उन सैनिकों का सम्मान भी हमने आज सोचा है हम करेंगे, और अलग अलग रेजिमेंट के माध्यम से भारतीय सेना में लोग दाखिल होते हैं। मराठा रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है,